हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज है 3 जुलाई, तो मैं सोच रहा हूँ, आज मेरी छुट्टी है वैसे, तो बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ मैं, तो क्या हो जाता है कि कुछ काम ना हो तो परेशान हो जाता हूँ मैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ काम करूँ। और सोचा क्या है मैंने, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाथरूम क्लीन करता हूँ, तो डीप क्लीन करता हूँ बाथरूम की। तो वैसे तो रोज़ शानू करती है, लेकिन आज मैं करता हूँ साफ़। उसको देखता हूँ कितना गंदा पड़ा हुआ है, तो देखता हूँ, शानू से पूछता हूँ मैं, कि वो तो रोज ही करती है वैसे साफ। शानू, मैं बाथरूम साफ कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बाथरूम साफ कर रहा हूँ। कर लो। है? कर लो। तूने कब किया था लास्ट साफ? रोज करती हूँ। रोज? और? तो रोज करती है, तो देखते हैं गंदा पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ। जाओ। आप देखते आ जा, मैं दिखाता हूँ ना कितना साफ कर रखा तूने बाथरूम। अभी दिखाऊंगा मैं शानू को, कह रही ना मैं रोज करती हूँ बाथरूम साफ। अभी दिखाता हूँ इधर। वंशु आ जा, यहाँ आ जा, यहाँ देख। क्या? ये देखिए रैक कितने गंदे पड़े हैं। गंदे? ये देख यार, ये थोड़े ना रोज रोज साफ होते हैं, नीचे तो साफ करती हूँ रोज। ये देखिए कितने गंदा पड़ा हुआ। तो ये क्या दिखा रहे हैं सर? तो मैं तो यही तो साफ। क्या दिखा रहे हैं यार? यही तो दिखाने वाला हूँ साफ क्या करना है। नीचे तो रोज करते हैं टाइल्स वगैरह, तो टाइल्स तो रोज तो पूरा साफ रहता है मेरा। हाँ, फिर भी ये तो रोज रोज नहीं होता ना साफ। हाँ, ये नहीं ये होता तो महीने में ये इधर जाला लगे हुए हैं। एक बार कर लो, इधर जाले लगे हुए। तो चलो कोई नहीं, मैं करता हूँ आज। ये मशीन में आप कर रहे हो? हाँ, मैं कर लेता हूँ इसको साफ करना। ठीक है, सच में कर रहे? हाँ हाँ, मैं कर लेता हूँ सच में। सच में क्या है, अच्छे से करना। बस डीप क्लीनिंग करके दिखाऊंगा, फिर बाद में दिखा दूंगा। ये साफ कर लेना तो साफ ही है। हाँ, कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। तो इधर जो भी जाले वगैरह लगे हुए है ना, सब उतार के दिखा लूंगा। इधर कोनों कोनों में नहीं हो पाती है ना रोज। ये देखो, ये कोने में गंदा पड़ा हुआ है। हाँ, ये टॉयलेट है, ये देखो, ये भी गंदा पड़ा हुआ। इधर जाले लगे हुए। हाँ, इधर देख, तो किधर देखना कितना डस्ट है। रोज रोज ऐसी डीप क्लीनिंग करना, ठीक है? कभी बाथरूम की, कभी बेडरूम की, किचन की। आज तो मेरी छुट्टी है ना, तो छुट्टी के दिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बस मैं आज करता हूँ बाथरूम की डीप क्लीनिंग। वैसे शानू सही कह रही है कि रोज ही करती है, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है रोज ना, तो आज मैं करूँगा। ये जैसे रैक हो गया, और इधर मतलब कोने काने ज्यादातर, और ऊपर जो जाले वगैरह लगे रहते हैं, उस सब की मैं करने वाला हूँ आज डीप क्लीनिंग। तो बस वीडियो में बने रहिए आप, और मैं करता हूँ स्टार्ट सफाई करना। जब पूरी क्लीनिंग हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा फिर से वीडियो बना के। तो आप बने रहिए और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए वीडियोस को। जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाय करो वंशु। हाय, कैसे हो बोलो आप? हाँ, लव यू कर दो सबको, लव यू। पा कर दो सबको, पा। तो मैं मास्क पहन लेता हूँ, मास्क आजकल अच्छा काम कर रहा है जब से कोरोना वायरस हुआ। तो इससे क्या होगा कि जो डस्ट आएगी ना वो मेरे नाक में नहीं जाएगी। तो इसे पहन के कर लेता हूँ शुरुआत जाले उतारना। We'll be right back.
साफ। तो किचन मेरा एकदम साफ हो गया है, देखिए आप भी देख सकते हैं मेरे को कहीं भी डस्ट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारे डस्ट थे ही पहले, ऊपर डस्ट थी, यहाँ बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और ये पाइप वगैरह जो भी हैं, ये पाइप्स ये सब क्लीन हो चुके हैं, देखिए एकदम साफ कर दिए हैं। वाइट कलर के हैं तो बहुत अच्छे चमक गए हैं। ये देखिए स्विच कितना गंदा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कितनी डस्ट है ना, हम इसको भी एकदम क्लीन कर देंगे अभी, बहुत जल्दी हो जाएगा ये तो। ये देखिए आप, बहुत जल्दी हो जाएगा साफ, वाइट कलर के ना ये तो बहुत जल्दी हो जाते हैं साफ। टाइलें भी साफ कर दी है मैंने साथ साथ में, यहाँ पे टाइलें भी हैं तो टाइल्स भी काफी साफ हो सकती है। इससे ही देखिए रगड़ना पड़ेगा किस चीज से, ये वो एरिया है ना नल के नीचे वाला एरिया सबसे गंदा वाला। बच्चे लगाते हैं यार बंदे आप साहब, इसमें गंदगी देखो कितनी हो रही है, ये नहीं कितना गंदा हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा वॉशिंग मशीन है तो इसको साफ करने के लिए आप ब्रश से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाता ना हाथ उंगलियाँ, तो ब्रश से इस तरह से यहाँ पर साफ कीजिए इसको, ये देखिए तरह से साफ कर सकते हैं। साफ एकदम क्लीन हो गया है, देखिए आप ही देखिए, देखो बिल्कुल साफ हो गया है। इधर थोड़ा गंदा है, यहाँ साफ नहीं हो पा रहा है, इसको भी कोशिश करता हूँ मैं भी साफ करने की। सबसे ज्यादा वहाँ देख, हाँ, ये पूरा खोला देख,
ये तो मैंने परसों निकाला था साफ। आज देख ना खोल के देख पूरा। हाँ हाँ साफ हो गया, कम ही रहा होगा। और कहाँ था गंदा? इधर इधर देख, इधर सारे जाले लगे हुए हैं। इधर यहाँ देख नीचे, ये फर्श, ये देखिए, ये टॉयलेट सीट चमका दिया भाई। ये इसके ऊपर भी करा मैंने साफ, ये यहाँ ऊपर देख, यहाँ ऊपर बहुत गंदा था ये साइड, ये पूरा व्हाइट हो गया है। देख देख पाइप, देख पाइप, हाँ पाइप, बटन, ये सब साफ हो, क्लीन, ये सब साफ हो गए, नल, ये सावर भी साफ हो गया। ये सबसे ज्यादा गंदा रहा, ये सब साफ हो गया। देख दरवाजा भी साफ कर दिया। क्या तुझे? नहीं भाई। पहली बार कोई कमी नजर नहीं आई शानू को, नहीं तो हर काम में कमी निकालने वाली। क्या है? नहीं निकालती हर बार कमी। पहली बार इसको काम पसंद आया मेरा, क्योंकि मैं 2 घंटे से यहाँ पसीने बह रहा हूँ और फाइनली मैंने अपना बाथरूम डीप क्लीन किया आज। तो बस आज यही शेयर करना था मुझे आप लोगों के साथ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये डीप क्लीनिंग वाला वाइपर लगा दिया आपने यहाँ बाथरूम? वाइपर उससे क्या, मैंने इससे क्या, एकदम निकाली थी ना लास्ट में कमी। क्या वाइपर लगा रहा था मैंने कई बार, देख लेना कितनी साफ हो रही टाइल में। अब क्या जरूरत है वाइपर लगाने की? कहीं बात आ रही ना। करता हूँ आज इस वीडियो का यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। तो आप लोगों का अगर पसंद आता है तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।